हे वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ मुकेश और काफ़ी दिनों के बाद हम एक और नए और धमाकेदार वीडियो के साथ में आ चुके हैं। हमारे पास में IDFC बैंक की तरफ से ये IDFC बैंक का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड, जिसको भाई हमने 3 से 4 बार अप्लाई कर दिए थे। और मैं वो गलतियाँ भी बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों ये क्रेडिट कार्ड मुझे अप्रूव नहीं किया गया था IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा, लेकिन अब ये डायरेक्ट भाई अप्रूवल हो करके, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन हो करके मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड आ चुका है, डिलीवर हो चुका है। तो देखते हैं कि भाई इस कार्ड के बारे में आप बता सके। यार देखो, IDFC का जो मिलेनियम कार्ड है उसके अंदर जो फीचर्स हैं, सबसे पहले अच्छी बात तो ये कि ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। और प्लस यहाँ पर जो इसका इसके कार्ड को अगर हम ओपन करें तो हमें यहाँ पर भाई लिखा हुआ मिल जाता है IDFC का ये कार्ड। और बाकी यहाँ पर हम कुछ और आपको चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर हमें अपना जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर बस। लेकिन थोड़ा हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपको वेलकम वाउचर भी आपको देखने को मिलता है अप टू 500 रुपये का। अगर आप एक इनके द्वारा जो मतलब एक अलग से कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, कुछ स्पेंड करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बाद में बताऊँगा, तो आपको यहाँ पर 500 का भाई वाउचर भी देखने को मिल जाएगा। 5% का कैशबैक अप टू 1,000 ऑन स्पेंड अमाउंट ऑफ फर्स्ट EMI। अगर आप पहला EMI भी करवाते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, वो भी 1,000 रुपये तक का, अमेजोन वगैरह के ले सकते हो। टैक्स रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ आप ये अपना ये अलग से इमेज वाला कार्ड भी है भाई बनाने लग गए हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर अपना इमेज वाला कार्ड ही बना सकते हो। हालांकि ये जो कार्ड है अपना ये लाइफ टाइम फ्री है। इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से ये जो कार्ड है मुझे थोड़ा यार बेकार लगा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ये जो कार्ड हमें देखने को लगा हुआ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर एक स्पार्क इफेक्ट देखने को मिलता था, प्लस कुछ और क्वालिटी है उसको भी कमा दिया गया है। मतलब कि कार्ड अच्छा है। यहाँ पर आप लिमिट वगैरह भी देख सकते हो, 1,25,000 की लिमिट मुझे मिली हुई है। और कैश लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 12,500 का कैश लिमिट है। यहाँ पर वही मैं कार्ड की बात करूँ तो यार देखो, कार्ड का जो क्वालिटी है, जो पहले जो IDFC का अपने कार्ड देता था उनसे मुझे काफ़ी फीका फीका सा ये कार्ड लग रहा है। यहाँ पर वीज़ा के ऊपर स्पार्क इफेक्ट था, पूरे कार्ड पर वही इफेक्ट सा देखने को मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे इस तरीके से हमें देखने को ये कार्ड मिलता है, प्लस इसके मैंने थोड़ा हाइड कर रखा है इसके जो नंबर्स वगैरह हैं। बाकी कार्ड ठीक ठाक है यार, लेकिन मुझे क्वालिटी में थोड़ा भाई प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बाकी इसकी लिमिट बहुत अच्छी है, IDFC ने मुझे अच्छी लिमिट दी है। बाकी अब ये कार्ड वगैरह कैसे क्या मिला है, बाकी देखो इसके बारे में आप इसका बायो डेटा तो जानते हो, लेकिन मैं आपसे बात करूँ कोई ये कार्ड भाई मिला कैसे है। भाई IDFC का ये कार्ड तो ठीक ही रहते हैं, लेकिन मेरे को इनके कार्ड भाई मिलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि यार इनके कार्ड में मतलब चाहे कोई भी कार्ड लो, देखो IDFC के सिक्योर्ड कार्ड की बात तो मैं भाई कर ही नहीं रहा, क्योंकि सिक्योर्ड कार्ड तो भाई आपको FD के अगेंस्ट मिले जाते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इनके अनसिक्योर्ड कार्ड, जैसे कि ये मिलेनिया हो गया, सेलेक्ट हो गया, मतलब और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री हैं। तो ये एक सबसे फर्स्ट बात है कि भाई इनके कार्ड लाइफ टाइम फ्री हमें मिलते हैं। प्लस ये कार्ड मुझे 3 बार रिजेक्ट होने के बाद में ये कार्ड मुझे मिला है। अभी इसका भाई देखो, एक और लोग बोलते हैं कि हम अगर IDFC का बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो क्या हमें ये कार्ड देखने को मिल जाएगा प्री अप्रूव्ड के तौर पर, हाँ या ना। तो भाई बिल्कुल नहीं, IDFC का अकाउंट बिल्कुल भी ओपन मत करना, चाहे 10 के वाला हो या फिर 25 के वाला हो, बिल्कुल भी। उससे अच्छा भाई कोटेक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा लेना, वो भी मैंने ओपन करवाया है। कैसे ओपन करवाया है, ब्रांच जाके, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो अभी मैं बात करूँ भाई इस कार्ड की, तो भाई इस कार्ड को लेने के लिए मैंने क्या क्या करवाया है आप सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस कार्ड को लेने के लिए सबसे पहले तो मैंने देखो, मेरा सिविल स्कोर 770-80, मतलब बहुत पहले से इतना स्कोर मैंने मेंटेन करके रखा है। अब इस कार्ड को यार देखो, 3-4 बार मैंने पहले भी अप्लाई किया था, लेकिन डायरेक्ट वही IDFC ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाया एक ऐसी सिटी का, मैं सीधा आपको बता देता हूँ भाई, जो मैंने एड्रेस चेंज करवाया था वो था भोपाल का, भोपाल MP, तो वहाँ का मैंने एड्रेस चेंज करवाया था, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ यार वहाँ ये कार्ड कभी ज़िंदगी में कभी मिलने ही वाला नहीं था, तो मैंने भोपाल का एड्रेस चेंज करवाया। उसके बाद जो
मैंने जब एड्रेस चेंज करवाया उसके बाद जो मेरे पास पिछले कुछ कार्ड थे जैसे एक्सिस बैंक के कार्ड थे, तो मैंने उनके अंदर भी अपना एड्रेस अपडेट कर दिया था सीधे अपने आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन करके। तो उसके बाद जैसे ही एक्सिस बैंक ने सिविल को रिपोर्ट किया मेरा जो नया एड्रेस था, उसके बाद जैसे ही सिविल के डेटाबेस में मेरा नया एड्रेस अपडेट हो गया आधार कार्ड वाला, उसके बाद मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया। मेरा होम वेरिफिकेशन हुआ प्लस ऑफिस वेरिफिकेशन हुआ उसके कुछ दिनों बाद, भाई इसको थोड़ा टाइम भी लगा है, उसके कम से कम 5 से 8 दिनों बाद ये इसका मुझे अप्रूवल दे दिया गया। प्लस इस कार्ड को भाई मेरे पुराने आधार कार्ड वाले एड्रेस के ऊपर भेज भी दिया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जर्नी रही मेरी। एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप रूरल एरिया में रहते हो या फिर कहीं ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ IDFC का ब्रांच नहीं है, सर्विसेबल एरिया नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये कार्ड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे IDFC का ये कार्ड हो, चाहे कोई सिलेक्ट कार्ड हो, या फिर FD वाला कार्ड को छोड़कर बाकी आपको अगर ये कार्ड चाहिए है तो आपको एड्रेस अपडेट करवाना पड़ेगा। सिविल जाना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 750 से ऊपर सिविल होना चाहिए, 760-770 का सिविल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ पर आपका एड्रेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर होम वेरिफिकेशन ऑफिस वेरिफिकेशन भी हो जाए। सर्विसेबल में सीधी सी बात है, सर्विसेबल में आपका एरिया पिन कोड होना चाहिए तो आपको ये कार्ड और बाकी के कार्ड भी मिल जाएंगे। तो बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको एड्रेस अपडेट करवाने की ज़रूरत है। एड्रेस अपडेट करवाइए, ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। तो ये थी मेरी कहानी और बाकी काफ़ी अच्छा कार्ड है यार। देखो इसके अगेंस्ट मैंने एक जो इनका डिजिटल रुपए कार्ड है उसको भी मैंने अप्लाई कर दिया था, वो भी इंस्टेंट मुझे जनरेट होके लगा क्योंकि ये एक वर्चुअल कार्ड है। तो इस कार्ड के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब हम और देखो एड्रेस अपडेट करवाने के बाद मुझे 3 और कार्ड देखने को मिले हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुके हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाला। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियोस का आप ज़रूर से वेट करना क्योंकि वो भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही होने वाली है और वो कार्ड भी मैंने अप्लाई करके देखे थे लेकिन नहीं मिले थे, लेकिन अब एड्रेस अपडेट होने के बाद वो कार्ड मुझे मिल चुके हैं। तो हम मिलते हैं और नए वीडियो में।